ओ भाई भाई, एक्साइटेड भी हूँ साथ साथ नर्वस भी हूँ। पता नहीं क्या क्या हो रहा है अंदर में, मैं नहीं बता सकता हूँ। कैसे अपनी फीलिंग्स दिखाओ आपके सामने, क्या फील कर रहा हूँ ना वो तुम ही जानते हो, वो सारे के सारे फैंस जानते हैं भाई साहब। फाइनली, अरे ऐसे शुरू नहीं करते हम लोग, जैसे शुरू करते वैसे ही करेंगे। तो चलो भाई, फाइनली इतने टाइम के बाद सलमान भाई के फिल्म का ट्रेलर एंजॉय करने वाले। कैसे टाइम निकल गया गाइस, देखते देखते फाइनली वो दिन आ गया है जब साथ में बैठकर ट्रेलर देखने वाले हैं। नेक्स्ट लेवल एक्साइटमेंट है, नर्वसनेस भी है, पता नहीं क्या होगा भाई। पहले से ही सोच सोच के गूजबम्स आ रहे हैं कि क्या होने वाला है ट्रेलर में। कहीं को टाइम वेस्ट करे फिर, एक तो ट्रेलर लॉन्च ऐसे किया है जैसे लग रहा था कि किसी की शादी है, ऐसा माहौल बना दिया है। फेस्टिवल वाइब्स आ रही थी वहां पे, एकदम फूल वूल लगा के, बट एकदम से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, फटाक से ट्रेलर देखते और उसको एंजॉय करते साथ साथ मिलके। कितने ज्यादा एक्साइटेड हो बताओ, तो मेरी एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल पे है। तो चलो धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र संवेत्ता युद्ध समा नाम का पांडवस्य किम कुरुव संजय। वैसे आपका नाम क्या है? मेरा कोई नाम नहीं, लेकिन मैं भाईजान भाई जान के नाम से जानू भाई। ओह शिट, मैं मुझे ये बोली भाई। ये नानी 400 साल पुराना एंटीक था। थैंक गॉड, मुझे ऐसा लगा नया था। क्या हुआ? हो गया शादी से पहले प्यार हो गया। प्यार हो गया भाई को। मैं आपको भाईजान बुलाऊं तो आपको अच्छा लगेगा? अब नहीं जान। ओहो, अरे भाई अब शुरुआत है। कोई जान लेता है पावर। जगपति बाबू मैन मेरे भाई जो है ना मेरे अन्या, ही हेट्स वायलेंस। ससुराल तुमने सवार लिया है, अब हम सवारेंगे मायका। शी इज़ डियरेस्ट टू मी, इसका ख्याल रखना जान से भी ज्यादा। मुझे एक एक की चीख सुननी है भाई। गलत गलत, इंसानियत के नाते मैं इंसानियत का साथ दूंगा। ये राउडियर ना कौन, ये वायलेंस नहीं है भाग्य, दिस इज कॉल्ड सेल्फ डिफेंस। मैंने मुझको अपना सरनेम दिया गुंडा मैनिनी, और मैनिनी के पहले आता है गुंडा। जब किसी नॉन वायलेंट आदमी के पीछे एक वायलेंट आदमी पड़ जाए, उस नॉन वायलेंट आदमी के सामने एक बहुत ही वायलेंट आदमी का खड़ा होना जरूरी है। इनके लिए तो हम अपनी जान भी दे देंगे। बंधन वाला लुक था ये। पावर नहीं, विल पावर। अरे इंसानियत में बड़ा दम। अरे आई एम रेडी। Bring it on, Bring it man! On. Bring it on! Come on! Bring it on! Woo! अरे भाई मैं क्या बोलूं, मैं कहां से शुरू करूं, कहां पे खत्म करूं, मेरे समझ के बाहर है भाई। खत्म खत्म, यही मांगता है अपने को और यही मिल गया जो चाहिए था भाई साहब। व्हाट अ किक एस ट्रेलर मैन। सलमान भाई के डायलॉग डिलीवरी से लेके एक्शन तक, मैन दिस इज व्हाट वी वांट टू सी फ्रॉम सलमान भाई, दिस इज हाउ वी वांट टू सी सलमान भाई ऑन द बिग स्क्रीन मैन। दिस इज द एनर्जी दैट वाज मिसिंग मैन। एंड
कंप्लीटली ब्लोन अवे भाई, दिमाग नहीं काम कर रहा, यही चाहिए। जिस तरीके से ट्रेलर का कट है ना, इतना परफेक्ट तरीके से ट्रेलर को शुरू किया। एक आपको रोमांटिक एंगल दिखाई देता है, एक वो जो फैमिली एंगल है वो आपको दिखाई देता है शुरुआत में। पहले दिखाया कि ये जो बंदा है वो किस तरीके से एकदम से सॉफ्ट दिल का है, जान है किसी की। एंड देन भाई जो भाई बना है ना, इतना मारा कि मार मार के कचूमर निकाला भाई। गुंडों का जगपति बाबू विजेंद्र सिंह, सारे के सारे विलेन, टॉप नॉच कास्टिंग है भाई। यही मांगता है अपने को प्रॉपर फैमिली इंटरटेनर, और क्या चाहिए जनता को। दिमाग हिल गया भाई, दिमाग हिल गया, सच बता रहा। और वो जो लास्ट में जो क्लाइमेक्स है ना, कुर्सियां हिलेंगी थिएटर के अंदर। वो जो BGM है रवि बसरूड का, मैन नहीं हो लगता है का जो ट्यून यूज किया है ट्रेलर में, ये गलत हो गया है भाई, गलत हो। ये बम्पर ओपनिंग मिलेगी फिल्म को। नहीं भाई, नहीं नहीं, देखो मैं एक्साइटमेंट में बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएगी, मुझे ट्रेलर कम से कम 50 बार और देखना पड़ेगा। लेकिन थोड़ा सा अगर एक्साइटमेंट को कंट्रोल करके बात करूँ ना, तो देखो ये फिल्म में ना सारी की सारी चीज़ें दिखाई दे रही है। ड्रामा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा लग रहा है फिल्म का, इमोशनल सीन्स बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। वेंकटेश दगुबती का वो जो सीन है जो आंसू गिरता है, वो एक ऐसा बंदा है जो ज़्यादा वायलेंस पसंद नहीं करता है, बट उसका भी कुछ ना कुछ बैक स्टोरी होने वाला है। राउडी अन्ना ना भाई साहब, बहुत कुछ होने वाला है इसमें। देखो कॉमेडी भी, जो ह्यूमर जो है ना इस फिल्म का, वो भी काफ़ी बैलेंस रखा है उसका भी, बहुत ज़्यादा कुछ ओवर नहीं लग रहा है कुछ भी। एक्शन जो है इस फिल्म का हाईलाइट होने वाला है, और एक्शन ऐसा होने वाला है ना जो पागल कर देगा जनता को। भाई साहब यही चाहिए था अपने को। गाने हिट हो चुके हैं, ब्लॉकबस्टर हो चुके हैं, नहीं हो लगता है का ट्यून बहुत ही सुंदर लग रहा है गाने में। और रवि बसरूड का BGM, अभी तो टाइटल सॉन्ग आना बाकी है, वो जो मेला सॉन्ग है वो भी आएगा। गाने एक नंबर भाई, सब कुछ तो सही है। सलमान भाई की एक्टिंग कितनी सही लग रही है, बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस सारी के सारे स्टार कास्ट का। ये एक प्रॉपर फैमिली इंटरटेनर, एक प्रॉपर पूरी की पूरी, पूरा का पूरा परिवार जाके देख सकता है, ऐसा ऐसा बनाया है इसको। देखो मुझे पता है बहुत सारी चीज़ें मिस हो गई होगी बात करने के लिए, बहुत कुछ था इस ट्रेलर में। अब जाहिर सी बात है कि 40-50 बार और देखूंगा लगातार जाके। आप भी देखोगे ना गाइज, आप भी देखोगे, मुझे पता है आप लोग देख भी रहे होगे। तो जाओ ट्रेलर को ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा देख सकते हो देखो भाई, जितना ज़्यादा देख सकते हो देखो, इधर उधर पोस्ट मत करना, इन्जॉय करो यार, माहौल बन चुका है, यही चाहिए था अपने को। और सब कुछ परफेक्टली इस ट्रेलर में डाला है, ज़्यादा कोई स्टोरी रिवील नहीं हो रही है, कुछ नहीं पता चल रहा है कि क्या कब होगा कैसे होगा, बस इतना क्लियर समझ में आ रहा है कि ये फिल्म बहुत ही बड़ी ब्लॉकबस्टर जाएगी इंशाल्लाह। प्रॉपर ब्लॉकबस्टर मटेरियल है ये फिल्म, सब कुछ है सलमान खान को जिस तरीके से जनता देखना चाहती है। स्टोरी एक डिसेंट स्टोरी लग रही है, अच्छी स्टोरी लग रही है, ये क्लिक कर जाएगी गाइज, ये ट्रेलर क्लिक कर गया है, मुझे पता है, मुझे पता है ये ट्रेलर ने कमाल कर दिया है। अभी तक जब तक मैं वीडियो बनाऊंगा तब तक ये ट्रेलर ने कमाल धमाल सब मचा दिया होगा। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी से तो वीडियो की बौछार लाइनें लगा देंगे गाइस, अभी से बहुत कुछ है बात करने के लिए। आराम से बैठता हूँ 30-40 बार ट्रेलर देखने के बाद, उसके बाद बात करेंगे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में जो जो मिसिंग है। आप बताओ ट्रेलर के बारे में कि आपको कैसा लगा देख के। मजा भाई, ब्रिंग इट ऑन गाइस, ब्रिंग इट ऑन, ईद जल्दी से आ जाओ, 10 दिन में आग लगा देंगे, मजा आ गया भाई। तो मिलते हैं रवि बसरूर के लिए स्पेशल मेंशन भाई, रवि बसरूर सर, हैट्स ऑफ टू यू मैन, कमाल कर दिया आपने, जो BGM है मजा दे दिया भाई। तो चलो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।